बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी ताज़ा ताज़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, पेपर हमारे हाथ में आ गया है और ये पेपर तो 100% आपका मिल गया है। लगभग जितना आया था 7 का 7 क्वेश्चन आपका मिल चुका 100%। 100% इसलिए क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपको देखिएगा वीडियो मिला लीजिएगा, हमने आपको दिया था लॉ ऑफ यूटिलिटी, कि लॉ ऑफ यूटिलिटी में, और मैंने डिस्क्राइब किया था कि तीनों में से कोई ना कोई रहेगा, जैसे लॉ ऑफ DMU, EMU और कंज्यूमर सरप्लस, याद करिए हमने बताया था। तो इसमें से एक क्वेश्चन उठा दिया लॉन्ग आंसर में, इसको 20 मार्क्स में, और लॉन्ग आंसर में 20 मार्क्स का इसको उठा दिया। कहने का मतलब 20-20-40 नंबर तो यहीं से हो गया 40 मार्क्स, याद करिए हमने बताया था, याद करिए हमने बताया था। दूसरी बात, हमने आपको ये भी बताया था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, याद करिए हमने पेपर में बताया था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, एकदम चिल्ला के बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए, ये भी आपका 20 नंबर में आ गया। तीसरी बात, हमने आपको खुल के बताया था लॉन्ग आंसर में कि इंटरेस्ट की जो थ्योरी है, लिक्विडिटी थ्योरी, देखिए लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 आया, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड पेड फॉर द पार्टिंग विथ लिक्विडिटी एंड विच इज डिटरमाइंड बाई द डिमांड एंड मनी एंड सप्लाई ऑफ द मनी डिस्कस, ये ब्याज तरलता का पसंदगी सिद्धांत, ये किन्स का थ्योरी है, ये किन्सियन थ्योरी है, मैंने आपको बताया था, याद करो किन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपको पेपर में दिया कि ये डेफिनेशन जो क्वेश्चन में आया हुआ है, ये इंटरेस्ट इज द रिवार्ड पेड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी, ये किन्स की है। ये भी आपका 20 नंबर का पूरा पूरा हु बहु आ गया, यानी 40-40-20-60-20-80 ये हो गया। आगे क्वेश्चन में आपका देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन्ग आंसर की मैं बात अभी कर रहा हूँ, सेक्शन बी की बात हो रही, अभी मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। इसमें मार्केट से मैंने सवाल दिया था कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, याद करो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, संतुलन बिंदु कैसे निर्धारित किया जाता है, ये बात हमने आपको बताया था। और हमने बताया था कि 3 मार्केट में से 2 मार्केट आपका लगभग आ जाएगा, कोई ना कोई 1 मार्केट 2 मार्केट आ गया, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट और मोनोपाली मार्केट। आप पेपर उठा के देखिए, पेपर उठा के देखिए 20 नंबर का ये भी आ गया और 20 का ये भी आ गया, भाई कितना क्वेश्चन लिखोगे लॉन्ग आंसर में, हैं 20-20-40 यानी 120 नंबर, 7 का 7 ये आपका सेक्शन बी के सारे सवाल आ गए। और सेक्शन ए को अगर हम एनालिसिस करें बेटे, सेक्शन ए को अगर हम लोग देखें, सेक्शन ए में भी आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसके स्कोप बताइए, ये भी मैंने आपको गेस्ट पेपर में दिया था, इसको भी मैंने गेस्ट पेपर में दिया था कि डिफाइन द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इट्स नेचर एंड स्कोप, तो नेचर छोड़ के छोटा सा केवल स्केप उठा दिया, अगर आप पढ़े होंगे तो इसको लिख लिए होंगे। दूसरा सवाल जो दिया कि इलस्ट्रेशन के साथ आपको एवरेज फिक्स कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट और मार्जिनल कास्ट का रिलेशन बताइए, इसके डायग्राम बताइए। तो याद करिए हमने आपको कास्ट आउटपुट रिलेशन का एक सवाल दिया था, कास्ट एंड आउटपुट रिलेशन, इसका 2 रिलेशन होता है, एक शॉर्ट रन रिलेशनशिप होती है, एक लॉन्ग रन होती है। तो ये शॉर्ट रन से सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया होगा शॉर्ट रन रिलेशन और लॉन्ग रन रिलेशन, तो शॉर्ट रन वाला सवाल ये 10 नंबर में आ गया। कहने का मतलब ये है बच्चों, इकोनॉमिक्स डंके की चोट पर पूरा 100% आया हुआ है आपके गेस्ट पेपर से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट साइलेंट थे, कुछ वायलेंट थे, बस इतने हैं, ठीक है। आप आगे के पेपर पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत।